कौन हो आप? यमराज। यमराज, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। यमराज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर वालों का क्या होगा? बहन की शादी, बेटी की पढ़ाई, घर का खर्चा, गाड़ी की EMI। क्यों, टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तुमने? भूल गया। हमें policybazaar.com पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ ₹680 महीने में मिल रहा है, वो भी नहीं ले पाया तू। तुम जैसे लोग हैं जो अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते। अब बुक तो चलो, खड़ो चलो, चलो 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 भैया, टाइम रहते टर्म इंश्योरेंस करवा लो policybazaar.com पे। अब पाताल में चप्पल पहन के घूमेगा? चल policybazaar.com। VIP कल्चर। हम लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर what to do? What to do? अभी दिखाती हूँ, ट्वीट करके बैंड बजाती हूँ VIP। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? डिजिटल इंडिया है दीदी। VIP मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और देखिए भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। आप इंटेलिजेंट हैं तो आप भी VIP बन सकती हैं दीदी। आधा घंटा आपके पास, ट्वीट करी, फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क, काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए, रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।